वही कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस देवांगशु बसाक और जस्टिस शब्बर रसीदी की बेंच ने कहा कि कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर कानूनी बताया है। उन्होंने कहा है कि हम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिनकी नौकरियां चली गई। भाजपा नेता न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।